सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर की पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस दिन पूजा पाठ व्रत हवन करने से शिव पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ जो देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और माता पार्वती जो आदिशक्ति का रूप मानी जाती है। सोमवार को इन दोनों की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे सोमवार के व्रत की कथा तो बताऊंगी ही, साथ ही कुछ पूजन की विधियां भी शेयर करूंगी। तो सोमवार के व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसे आप जरूर अपनाएं। आइए जानते हैं वो कौन कौन से नियम हैं और किस तरीके से हमें सोमवार के व्रत को करना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुंच सके। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सोमवार के दिन भगवान शिव को और माता पार्वती को एक साथ जो है पूजन के लिए समर्पित होता है। ऐसे में सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठते हुए घर और पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद घर के पूजा स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को स्थापित करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की संक्षिप्त रूप से आप पूजन करें। इसके बाद घर के पास स्थित किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करें। जलाभिषेक में गंगा जल, घी, गन्ने का रस, दूध और दही का प्रयोग करें। पूजा के दौरान लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। इसके बाद शिव मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष बैठकर शिव चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ भी अवश्य करें। इसके बाद शिव की कथा करें और आरती करें। भगवान शिव की पूजा उपासना में बेलपत्र, समी, भांग, धतूरा, दूध, दही का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन चीज़ों को वर्जित माना गया है। शिव जी की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्तों और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी हल्दी या कुमकुम लगाकर पूजा भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा नारियल के पानी से भी शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। शिव पूजन के बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है, मतलब कि शाम तक रखा जाता है। सोमवार का व्रत तीन प्रकार का होता है, प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए लगभग एक जैसी ही विधियां होती हैं। आप इसे अपनाकर अपने पूजन को कई गुना ज्यादा सफल बना सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही कथा जरूर करनी चाहिए। आइए कथा सुनने से पहले सबसे पहले हम भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं। दोस्तों, गणपति जी का जयकारा लगाते हैं और माँ पार्वती का जयकारा लगाते हैं। सबसे पहले गणपति जी का पूजन का विधान है, इसलिए हम गणपति जी को ध्यान करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, पार्वती नमः। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले ही की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को
बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमार ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ रखा। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से निकल रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो पा रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तरप तरप कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर बेहद ही खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार को व्रत करता है अथवा कथा सुनता है या फिर पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। जय शिव ओंकार। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी और अद्भुत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।